नमस्ते और स्वागत। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आज से लगभग 42 साल पहले की बात है। सन 1989 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के उसराहार थाने में शाम को परेशान सा दिखने वाला किसान घुसा। उसने संकोच में इधर उधर देखा और हेड कांस्टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। अपनी कुर्सी पर ऊँघते हुए हेड कांस्टेबल ने सिर उठाकर देखा, सामने एक दुबला पतला ग्रामीण खड़ा था। मैला कुर्ता, पछां स्टाइल में बंधी धोती, नंगे पैर। मनी मन खींचते हुए कांस्टेबल बोला, हाँ क्या काम है? सामने खड़ा फरियादी किसान बोला तो उसकी भाषा हेड कांस्टेबल को समझ ना आई। दोबारा पूछा, अरे क्या हुआ? इस बार उस किसान ने बताया कि वो मेरठ से अपने रिश्तेदार के घर आया था, यहाँ से बैल खरीदने। रास्ते में किसी गिराकट ने जेब काट ली, पैसे चुरा लिए, लिहाजा उसे FIR लिखानी थी। हेड कांस्टेबल ने आंखें तिरछी करके पूछा, मेरठ से इतनी दूर बैल खरीदने क्यों आया भाई? क्या सबूत है कि किसी ने तेरी जेब काटी? हो सकता है कहीं गिर गए हो या फिर उसकी दारू पी ली हो तूने, और अब घरवाली के डर के मारे चोरी का नाटक रच रहा हो। कुल मिलाकर पुलिस वाले ने कह दिया कि FIR नहीं लिखी जाएगी। किसान रुआसा सा एक कोने में खड़ा होकर कुछ सोचने लगा कि एक सिपाही ने उसे अपने पास बुलाया। दोनों में बातचीत हुई और तय हुआ कि अगर किसान कुछ खर्चे पानी का इंतजाम करे तो उसकी रपट लिखवा दी जाएगी। किसान ने हामी भर दी और मुंशी ने FIR लिखनी शुरू कर दी। पूरा मामला लिखने के बाद मुंशी ने कहा, बाबा दस्तखत करोगे या अंगूठा टेकोगे? किसान बोला, पढ़ा लिखा ना हूं, अंगूठा ही टेकूंगा। मुंशी ने कागज किसान की तरफ सरकाया और स्याही वाला पैड भी बढ़ा दिया। मायूस से दिखने वाले किसान ने जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला तो एक मुहर और कलम निकली। मुंशी जब तक कुछ समझ पाता, उसने स्याही के पैड से मुहर पर स्याही लगाई और कागज पर ठोक दी। मुंशी ने कागज घुमाकर पढ़ा, मुहर लगी थी प्रधानमंत्री भारत सरकार। मुंशी जब तक कुछ समझ पाता, किसान ने हाथ में थामे पेन से लिख दिया, चरण सिंह। अब थाने में भूकंप आ गया। पूरा थाना हैरान रह गया कि देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके थाने में किसान बनकर रपट लिखाने आए थे। बहरहाल जो कुछ भी हुआ था उसे आधार बनाकर पूरा का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना के बारे में इटावा के निवासी वरिष्ठ पत्रकार जयचंद भदौरिया बताते हैं कि चौधरी साहब इसी तरह औचक निरीक्षण करते थे। उस दिन थाने से कुछ दूर पर उन्होंने अपना काफिला छोड़ दिया था। सड़क किनारे के एक खेत से थोड़ी मिट्टी उठाकर अपने कुर्ते पर रगड़ ली और जूते उतार कर नंगे पैर ही थाने में पहुंच गए थे। रिश्वतखोरी की सजा पूरे थाने को मिली। फिलहाल अब उसराहार थाना जिला औरैया में पड़ता है। ये पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी जब चौधरी साहब यूपी के CM थे तो इसी तरह किसान के वेश में थानों और सरकारी दफ्तरों का असली हाल भांपने के लिए निकल पड़ते थे। आज के जेट प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा घेरे में घूमते राजनेताओं को देखने वाली जनता के लिए चौधरी चरण सिंह का यह अंदाज किसी कथा कहानी के किस्से जैसा लगेगा, लेकिन है ये 100% खरा। उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाले हैं। चुनाव से जुड़ी स्पेशल सीरीज हम आप तक लेकर आ रहे हैं, लगातार इसके जरिए वीडियो आप तक लेकर आ रहे हैं, कहानी उत्तर प्रदेश की। इससे जुड़े वीडियो देखने के लिए, किस्से जानने के लिए, किस्सा हो सकता है राम नरेश यादव का, जब वो मुख्यमंत्री बनने की खबर मिलने के बाद भी रिक्शे पर बैठकर लखनऊ के राजभवन पहुंचे थे, या किस्सा हो सकता है जवाहरलाल नेहरू का कि जब चंबल में उनकी जीप को डकैतों ने रोक लिया था। ये सारे किस्से आपको मिलेंगे नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के YouTube चैनल पर वीडियो के माध्यम से, और साथ ही अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो हमारी वेबसाइट पर भी ये किस्से फाइल हो रहे हैं, वहाँ जाकर आप पढ़ भी सकते हैं। ये किस्सा आपके लिए लिखा है हमारे दोस्त आलोक भदौरिया ने। जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। शुक्रिया। कहानी उत्तर प्रदेश की।